हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कबीरा एकेडमी ऑनलाइन स्टडी चैनल। माई सेल्फ राम आशीष मौर्य, योर फिजिक्स टीचर। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज लाइक दिस थिंग्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट हु गेव अस थ्री लॉ ऑफ मोशंस। So first of all, we are going to discuss about first law of motion. Newton's first law of motion states that if anybody is in the state of rest or of in uniform motion, it will continue in its state of rest or motion unless it is not compelled by any other external force. Means, if anybody is in rest, it will remain in rest, and if anybody is in motion, it will remain in motion unless there is no any external force applied on it. So Newton's first law of motion is divided in two parts, one for rest and one is for motion. We can define force with the help of Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, force is a physical quantity which changes or tends to change the state of an object. Means force is a physical quantity which changes. Means force can change the state of anybody, or it tries to change. For example, if anything is, suppose a book is lying on the table and we apply force on it, then the position of book will change. Or if the force is so small, then also it will try to change the position of the object. Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. So we should know what is inertia. So inertia is the inherent property of a body to resist the change in its position. Means the body opposes any action on it. There are three types of inertia. First, inertia of rest. Second, inertia of motion. And third one is inertia of direction. So we will discuss one by one with example. First of all, inertia of rest. The resistance of body to change the state of rest is called inertia of rest. Again, I would like to repeat,
द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज द रेस्ट ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग इन ए ट्रेन एंड सडनली ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, दैट टाइम द बॉडी टेंड्स टू बैकवर्ड. मीन्स बिकॉज वेन ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द लोअर पोर्सन ऑफ योर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द ट्रेन बट द अपर पोर्सन ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन, द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. वंस अगेन, द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर सिटिंग इन ए बस एंड बस स्टॉप सडनली, वी फेल फॉरवर्ड बिकॉज वेन बस स्टॉप्स द लोअर पोर्सन ऑफ आवर बॉडी कम टू रेस्ट पोजिशन विद बस बट द अपर पोर्सन ऑफ बॉडी रिमेन इन द मोशन ड्यू टू द इनर्सिया ऑफ मोशन. आफ्टर दैट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्सिया ऑफ मोशन. वंस अगेन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग शार्पनिंग ए नाइफ अगेंस्ट ए ग्राइंडिंग व्हील लीव द व्हील टेंजेंटली, दिस इज ड्यू टू द इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. द नेक्स्ट थिंग्स विल लाइक न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विल बी डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.